क्या बात है? हेलो, क्या टॉय ट्रेन में गैस और कोई नहीं? ऑलराइट, कीप मी पोस्टेड. क्या वैसे ये गैस का सीन क्या है? आई डोंट नो, अभी कुछ पता नहीं चला ठीक से. तो क्या ये टॉक्सिक गैस है? आई मीन, अगर ये टॉक्सिक गैस है तो फिर किडनैपर्स के पास इतनी डेंजरस गैस पहुंची कैसे? आई अंडरस्टैंड कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो. ऑफ कोर्स तुम हीरो थे, ऐसी चीजें हैंडल करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. बट मैं अब ये सब अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ. आई मीन, मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं ला सकती. कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं. हमने तुम्हें इतना बड़ा कार्य सौंपा है और तुम हमें इन तुच्छ बातों से परेशान कर रहे हो. अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते. गुरुदेव, बस कुछ ही समय की बात है. वीर की कुंडली में उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है और वो भी उसकी विवाह की रात को. इधर वो विवाह के बंधन बंधा, उधर जीवन चक्र से मुक्त हुआ. वही तो रास्ता होगा कुमार तक पहुंचने का. ये पाउडर, ये तो वही पाउडर है पर इसका कलर डिफरेंट क्यों है? पंडू सही कह रहा था, कुमार खतरे में. बच्ची सुन, अदिति है ना, वो गेट तक पहुंच चुकी है. तू वहां से दूर रह, या तो एक काम कर, तू गायब मोड में ऑपरेट कर. ओके, ये सब तो पीके दोते हैं. गायब मोड ऑन. यो बच्चो, सब ठीक ना? खून मार रहे मेरे को, ये तेरा हाथ तोड़ देगा रे जबड़े. या क्या बोला तू मेरे को? गोली खाएगा क्या? कौन है? बंडू, कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इन बच्चों में से कुमार कोई नहीं है. ओह गॉड, बच्चों आप लोग ठीक हो ना? डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें ध्यान से लेके जाओ. कैसे हुआ वीर? मुझे सच सच बता, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं नहीं, अदिति लेट मी एक्सप्लेन. अदिति मेरी बात तो
अजित अदिति एक बार हमें एक्सप्लेन करने का मौका दो प्लीज। एक झूठ ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां मुझे खुद की खुशियों को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मामा जी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आया आपको तुम्हारी नजरों से कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? इसकी मेरा रुक जाने दीजिए। आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे वीर। क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? जो भी हो कल्प्रिट कोई और ही है। ऐसा तो नहीं कि वो गुंडे सिर्फ पपेट्स हैं और उन्हें चलाने वाले हाथ किसी और के। अब सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। इट्स हीरो वे और नो वे। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे वीर की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ये उसके भी हाथ में नहीं है। बट यस गिवन अ चॉइस मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना ही प्रेफर करूंगी। लेकिन हाँ अगर बिना रिंग के भी ये पावर्स वीर की लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं तो यस मैं ये सब एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैंने कितनी बार वीर से पूछा लेकिन उसने हमेशा मुझसे झूठ ही बोला। ही ब्रोक माय ट्रस्ट। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है। देखो तुम्हारा नाराज होना ना तुम्हारा हक है। नो क्वेश्चन आस्क्ड। पर ये याद रखना कि हम और ये घर ये तुम्हारा परिवार और ये परिवार और ये घर तुम्हारे गुस्से का शांत होने का तुम्हारे घर वापस लौटाने का इंतजार करेगा। Whenever you are ready. Bye. ये था नहीं बता आपके काम आ सका ये मेरा सौभाग्य है। आपकी बुद्धि और चतुराई का सच में कोई सानी नहीं। जब वीर ने रुद्राक्ष के बारे में मुझसे पूछा एक पल को तो मैं घबरा ही गया था। लेकिन हमने सब संभाल लिया। पा लिया जो पाना चाहते थे। आपसे एक विनती है। आप ये जो बलिदान करने जा रहे हैं मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं। बरसों से आश्रम के जिस पद को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उसे यह बालक छीनना चाहता है। कुमार एक मामूली बच्चा एक मंत्र तो ठीक से पढ़ नहीं सकता। आखिर किसने बना दिया इसे कुमार? आपने इससे छुटकारा पाने का जो मुझे मार्ग बता दिया है तो भला ऐसे प्रस्ताव को मैं कैसे मना कर सकता था? कैसा लगा मेरा वेलकम प्रोफेसर? गलत बात है वीर। हमेशा मेरे प्यार के बदले में तुम गुस्सा होते हो। सो यू नो व्हाट आई मीन। मैसेज
इस लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर पंटू। नीड टू रीच हियर फास्ट। कम ऑन वीर, मुझसे पूछ लेता लोकेशन, मैं बता देता। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। बेकार में फंस गया तू, और अब बेकार में मारा जाएगा अगर हीरो टाइम पे नहीं पहुंचा। खबरदार, अगर बंटू को कुछ भी किया तो। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। आखिरी बाजी है, जमकर खेलेंगे, है ना स्वीटी मीठी? यहां आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना, पहले से ही डिसाइड करके आना कि किसे बचाना है। चार ऑप्शंस हैं तेरे पास। ए, अपनी फैमिली को। बी, उस एनोइंग कुमार को। सी, दोनों में से किसी को नहीं। या फिर डी, आदिति। कहा हो सकता है प्रोफेसर, मुझे कुमार को जल्दी ढूंढना होगा। को ये काम गायब मोड ऑन में ही करना पड़ेगा। तो छुपते छिपाते तू यहां आ ही गया वीर, कब तक कायरों की तरह गायब रहेगा? सामने आ, मुझसे लड़ और जो चाहिए ले जा। कम ऑन वीर, बी अ मैन। फाइनल फेयरवेल है और हमें इसे यादगार बनाना है, याद है ना? तेरी आखिरी ख्वाहिश है पूरी जरूर करूंगा प्रोफेसर, पर इन सबको याद रखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। इसे बहुत अच्छा किया कि तूने अपना फेयरवेल खुद ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कल का सूरज तो तू देख नहीं पाएगा। कैसे ये करिश्मा मैंने कैसे किया वीर? तेरे पास तेरी सुपर पावर्स हैं, तो मेरे पास मेरा ज्ञान है, और सिर्फ अपने शैतानी दिमाग की ताकत से मैं तुझे भी हरा सकता हूँ और इस दुनिया पर भी राज कर सकता हूँ। तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है प्रोफेसर, होता तुझसे कुछ भी नहीं है। और तू, यस यू, शांति प्रिय, पीस लवर, ये करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? शांत प्रिय तो गुरुजी और तुम्हारी माँ थी, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? मारे गए ना बुराई के हाथों। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अपना भला और बुरा मैं खुद तय करता हूं, और मेरा ये मानना है कि जिसको तुम हरा ना सको उससे हाथ मिला लो, इसी में भलाई है। और वैसे भी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना असंभव है वीर, और रही बात इस बच्चे की, बच्चा नहीं है वो, कुमार नाम है उसका, इज्जत से ले। किसने बनाया इसे कुमार और किस लिए? ये पुण्य आत्मा अपने हिस्से का पाप पहले ही कर चुका है, मुझसे मेरा अधिकार छीन कर। अदिति, शुक्राचार्य,
एक अमर प्रेम कहानी, एक महान बलिदान की गाथा या विश्वासघात का वृतान। तुम मनुष्य भी ना, कोई तुम्हें चाहे कितना भी दुख दे दे, तुम्हारा एक छोटा सा भला कर दे तो उसके पिछले सारे पाप तुम भूल जाते हो। तुम मनुष्यों की स्मृति दुर्बल है या सबके सब तुम मूर्ख हो? अच्छाई एक भ्रम है, एक रंगीन लिबास में लिपटी हुई बुराई। अच्छाई छलिया है और बुराई बुराई ईमानदार। अरे देखो इसे, बुराई को अपनाने की तीव्र इच्छा ने इसे सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना दिया है। हीरो का प्रतिद्वंदी बनने के योग्य बन गया है ये। देखना अब ये हमारा मारा, बस कुछ ही क्षणों में इस बालक के प्राण हर लेगा। अब ये अंगूठी ही तुम्हें तुम्हारी शादी की सबसे अनुपम भेंट देगी। तुमने इन शक्तियों के साथ न्याय नहीं किया तो क्या हुआ? कोई और सही। आगे बढ़ो प्रोफेसर, अब इस विधि में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलिदान का ये अलौकिक मुहूर्त सदियों के बाद आता है और असफलता के परिणाम से तो तुम अवगत हो। गुरुदेव आप निश्चित रहिए, कुमार का जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। प्रोफेसर नो, प्रोफेसर मैं कह रही रुक जा, नो प्लीज। तुम मारे जाओगे। क्या बकवास कर रहा है? डरा नहीं रहा, बस सूचित कर रहा हूँ। तुम्हारी मृत्यु में साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है इस पाप से बचने का। नाक में खुजली हो रही है। धीरे चलाओ वरना टक से टक्कर हो जाएगी। नहीं, इसकी बातों में मुझे नहीं आना। गुरुदेव ने कहा था कि बस मुझे इस बच्चे की आत्मा उन्हें सौंपनी है, फिर वो खुद मेरी रक्षा करेंगे। मैंने अब तक उन पर भरोसा किया है, आगे भी करूंगा। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? चुप, एकदम चुप। I hate kids। तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना? तुझे तो मैं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ऐसी नफरत की बातें करते हो इस दुनिया से चले जाओ, या फिर अपने बचे हुए दिन किसी अच्छे काम में व्यतीत करो, जिससे दुनिया तुम्हारे बात सम्मान के साथ तुम्हें याद करे। मैं मरने वाला नहीं यू फूल। तेरे पास भी दो रास्ते हैं, या तो अपने अंतिम समय में मुझे ऐसे इरिटेट करता रहे, या फिर गुड बॉय बन के मुंह बंद रख ताकि मैं तेरी मौत को और पेनफुल ना करूं। पहले तो मुझे तेरी स्माइल मिटानी है। मैं सफल हुआ वीर, हमारी योजना पूर्ण हुई। कोई इस अंगूठी के साथ कहीं पर भी जाए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और तू तो कीमत चुकाने के लायक ही नहीं है।
ऑफिसर, कार्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा करो देव। शुक्राचार्य के कहने से कोई नहीं बच सकता, आपकी सबकी मृत्यु निश्चित है। अदिति, तुम शुक्राचार्य से बचकर नहीं जा सकते, मैं वापस लौटूंगा। प्लीज प्लीज अदिति, आगे खोलो। अदिति, अदिति आगे खोलो, बच्ची हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके बचने के चांसेस थोड़े कम हैं। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता वीर, ये उसकी खुद की लड़ाई है और लड़ाई का परिणाम लड़ाई के अंत में ही पता चलता है। हर इंसान की यात्रा उनकी इच्छा अनुसार हो वो जरूरी नहीं। मेरा आश्रम लौटने का समय आ गया है, मेरी और तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। अब मुझे चलना चाहिए, मेरा आश्रम मेरी राह देख रहा है। तुमने इस यात्रा पर खुद को साबित किया है वीर, बधाई हो। भले ही मुझे जाना है पर तुम्हारा पुरस्कार मैं छोड़े जा रहा हूँ। चलता हूँ हीरो, चलो। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है, इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। वो तीसरा बॉक्स, ओह नो, अदिति, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लाख लाख शुक्र शिव जी। डॉक्टर, डॉक्टर,
प्यार में ऐसा मिरेकल पॉसिबल होता है. कांग्रेचुलेशन, शी इज आउट ऑफ डेंजर. थैंक यू डॉक्टर. पता है तुम्हें, तुमने मुझे कितना डरा दिया था. I really love you अदिति. I really love you. आज से ना हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, लेकिन लेकिन अलग कभी नहीं होंगे. प्रॉमिस. अरे टाइम नहीं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना, चलो ढूंढो. अरे क्या ढूंढने की बात कर रहे हो, तेरी अंगूठी ना मामा जी ने घुमा दी. सॉरी बेटा. अरे मामा जी, आप खामा का टेंशन मत लीजिए, अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए और सोचिए, अपने दिल को रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि आपने दिन आखिरी बार कहाँ देखी थी. किचन चला गया. किचन में वो स्वीटी मीठी तो मिल गई. Yes! मैं किचन में गया, वो स्वीटी मीठी पुडिंग बनानी थी चॉकलेट वाली, और मुझे लगता है गलती से वो रिंग उस पुडिंग में गिर गई. ये सब किसने खाया? भाभी इतने फटाफट कौन खाता है? क्यों, क्या हुआ? अदिति चलो चलो हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे पेट का एक्सरे कराने. वीर मैं कहीं नहीं जा रही, हुआ क्या है? तुमने हमारे एंगेजमेंट की रिंग निगल ली. व्हाट, ये क्या बकवास है? अरे ठीक कह रहा है ये, वो गलती से मुझसे ना वो रिंग पुडिंग में गिर गई थी और मैडम आप उसे निगल गई. अरे मामा जी, हमें अच्छे से पता था कि वो रिंग पुडिंग में गलती से गिर गई आपसे. वो मीठी जो हमारी भाभी को रिंग पहनाने वाले थे, वो मामा जी ने पुडिंग में डाल दी. Oh, I have an idea. हमारी स्वीट टूथ मामा जी को ये पुडिंग हमेशा याद रहेगी. क्योंकि रिंग यहाँ है, बिल्कुल सेफ. यार तुम लोगों ने बड़ा घुमाया. इन लोगों से ना बस ड्रामा करवा लो, अनलिमिटेड सप्लाई है. वैसे मामा जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि भी फॉर्मेलिटी वगैरह की क्या जरूरत है, सारे इंपॉर्टेंट लोग तो हमारे साथ में ही हैं, तो क्यों ना रिंग सेरेमनी यही कर लेते हैं. मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा. अदिति आ जाओ, चलो चलो. अरे चलो आ जाओ. पावर की निशानी है तो दूसरी प्यार की. आज बिंदु और रॉकी की बहुत याद आ रही है यार. अगर वो लोग भी वीर की शादी में आते तो चार चार लग जाते ना. मामी जी को फिर से अटैक्स हो रहे. हाँ, इसीलिए उन्हें फिर से रिहैब भेजा है. आज इतने दिनों बाद बिंदु ने वीर के बारे में पूछा. लच्छी, एक बात मुझे हमेशा खटकती रही है, बिंदु ने कभी भी वीर को अपना नहीं समझा. उन दोनों का रिश्ता हमेशा कुछ फॉर्मल, कुछ गोल सा रहकर, वीर ने बहुत कोशिश करी लेकिन बिंदु वेट करता रहा कि कब वो वीर के इमोशंस को समझेगी. ऐसा कभी हुआ ही नहीं. मैंने कभी फोर्स नहीं किया क्योंकि ये बातें तो अंदर से आती है ना. वो वक्त ही कुछ ऐसा खराब सा चल रहा था हमारा. आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो
मैं सोचता हूँ कि मैं आज भी जिंदा कैसे हूँ, मेरे अंदर का जज्बा अभी तक मरा कैसे नहीं, पता है क्यों? मेरे बच्चों की वजह से। वीर है, स्वीटी बेटी, तू है। मैं ना था, एक बात तो सब जानते हैं, मगर एक चीज है जो मैंने किसी से भी शेयर नहीं की है, इनफैक्ट वीर से भी नहीं। ये जो फैमिली वाली फीलिंग है ना, मैं बहुत क्रेव करता था। फिर मुझे वीर मिला, वीर के साथ दोस्ती हुई, मेरा भाई बना, और फिर उसके थ्रू मुझे आप सब मिले, आप, स्वीटी मीटी, माँ, पापा और अब अदिति। और धीरे 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 मिसिंग वाली जो फीलिंग होती है ना, वो चली गई। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं। खून के तो सिर्फ नाते होते हैं, मगर असली रिश्ता दिल का होता है। वैसे तो तू मेरा बच्चा है, लेकिन अगर तू ऑफिशियली भी मेरा बच्चा बन जाए तो नहीं, तेरा नाम वैसे अच्छा है, बंटू, अच्छा नाम है, और तू वीर नंदा का भाई भी है तो बंटू नंदा भी बढ़िया है, लेकिन लेकिन बंटू सिद्धवानी क्या कूल नाम लगेगा ना? नहीं, वैसे नाम में कुछ नहीं रखा है, शेक्सपियर ने बहुत पहले बोल दिया था रोज इज अ रोज इज अ रोज, लेकिन सर आज दिल से मन कर रहा है उम्र भर के लिए तेरे लिए अपना नाम छोड़ जाऊं। सोच ले, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन है, तू अब मुझे मामा नहीं पापा बुलाएगा। आई विश आप दोनों यहां होते तो कितना अच्छा लगता, साथ में शादी की सारी तैयारियां करते, बारात में डांस करते, अदिति को और मुझे आशीर्वाद देते। आज सच में तेरी बहुत याद आ रही है, अगर तू यहाँ होता ना, अपने शादी के सारे काम तुझसे करवाती, मैं सारे टैंट्रम्स थ्रो करती, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे हो सकती हूँ। आई मीन जस्ट लुक एट मी, क्या मुझे किसी से इतना ज्यादा प्यार हो सकता है? अगर तू यहाँ होता ना, तो मुझे पता है तू वीर के बहुत क्लोज होता, उसकी बात ही कुछ ऐसी है, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आई एम ग्लैड कि तेरे आखिरी वक्त में संभव वीर तेरे साथ था, लेकिन सच में अगर आज तो होता ना, तो तू बहुत खुश होता। आई मिस यू। काश आप भी यहां होते, अदिति कितना कंफर्टेबल फील करती, आप तो जानती हैं। अदिति बस लड़ती रहती है, मुश्किल में भी होती है, तब भी किसी से मदद नहीं मांगती, मुझसे भी नहीं। आप होती तो उसका ख्याल रख पाती, मैं साथ नहीं होता तो उसके साथ रहती। अदिति ना बिल्कुल आपके जैसी है माँ, केयरिंग, ग्रेसफुल, स्ट्रॉन्ग। कितनी झल्ली हूं मैं। वीर को तो लग रहा होगा कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसके सर पे बॉम्ब फट गया है, मुझे उसका रिएक्शन देखना जब उसे पता चलेगा कि मैंने उस पे प्रैंक किया है। तुझे याद है मैंने तेरे टिफिन में छिपकली डाल दी थी, वो भी असली। कितना डरा था। अदिति बहुत अच्छी है माँ, and I really love her. वीर बहुत अच्छा है अर्जुन, I really love him. And I miss you both. So much. तो खुद से झूठ बोलना बंद बंद। मन जानते है वो क्या चाहता है, वो हमसे कहता भी है। मिस बिंदा सुन दे के उसकी बात सुनिए ध्यान से, किसी और को चाहे कुछ भी लगे, जब तुम्हें कुछ सही लगे तो वो सही है।
क्योंकि तुम्हारे मन का क्या है वो सिर्फ तुम्हारा मन ही जानता है। तुम्हारी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है हीरो, पर ये समय सिर्फ खुशियां बनाने का। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहीताम। अब आप कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।